जानू एक पप्पी दो ना। नहीं बिल्कुल नहीं। प्लीज ना बेबी, एक पप्पी दे दो ना प्लीज। ओके जानू और एक पप्पी दो ना यहाँ पे। प्लीज ना बेबी यहाँ पे और एक दे दो ना। प्लीज ना बेबी, प्लीज प्लीज दे दो ना बेबी प्लीज। ओके क्या तुम ठीक हो जानू? आओ ना कुछ तूफानी करते हैं। नहीं शादी से पहले कुछ भी नहीं, शादी के बाद ही करूँगी मैं तूफानी। हाँ तो चलो शादी करते हैं, वैसे भी शुभ काम में देरी क्यों? करना तो मैं भी चाहती हूँ तुमसे शादी, वो भी जल्द से जल्द, पर मैं मेरे डैड को बिना बताए शादी करके मैं उनका दिल बिल्कुल नहीं दुखाना चाहती हूँ। जब मैं 7 साल की थी तब बीमारी की वजह से मैंने मेरे माँ को खो दिया था, और तब से मेरे डैड ने अकेले ही मुझे पाल पोस के बड़ा किया। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। तो ठीक है, मैं वादा करता हूँ शादी होगी तो तुम्हारे डैड के मंजूरी से ही होगी। मैं कल ही जाऊँगा तुम्हारे डैड के पास हमारी शादी के बात करने के लिए। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। पर तुम उदास क्यों हो गई ये बात सुन के? मेरे डैड बहुत खतरनाक है और वो गैर कानूनी भी कुछ काम करते हैं, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है, और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। हमारे प्यार के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं जीना चाहता हूँ तो सिर्फ तुम्हारे साथ, और मैं मरना चाहता हूँ तो सिर्फ तुम्हारे साथ। हेलो यार, चलने यार कुछ खाते हैं यार, भूख लग रही है यार। हाँ बस थोड़ी देर रुक जा, मेरी गर्लफ्रेंड आने वाली है यहाँ, उसके बाद हम साथ में जाएंगे खाने। मुझे तो पता ही नहीं था कि तेरी गर्लफ्रेंड भी है। पता है जब मैंने उसे पहली बार देखा तो बस देखते ही रह गया, ऐसा लगा कि हवा थम सा गया हो और समय रुक सा गया हो, मतलब इतनी खूबसूरत है यार वो। हाँ बिल्कुल स्लो मोशन के माफी कहना, मेरी भी गर्लफ्रेंड बहुत खूबसूरत है। वो इतनी खूबसूरत है कि किसी बॉलीवुड या हॉलीवुड या टॉलीवुड की हीरोइन भी फीकी पड़ जाती है मेरी गर्लफ्रेंड के सामने। सच कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी गर्लफ्रेंड इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। दोस्त बुरा मत मानना, पर मुझे लगता है कि तुम गलत हो, क्योंकि इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है। नहीं तुम गलत हो, मेरी गर्लफ्रेंड सबसे खूबसूरत है। अच्छा वो तो पता चल ही जाएगा, वो भी प्रूफ के साथ, जब तू उसे देखेगा। बस थोड़ी देर रुक जा, वो पहुंचने वाली होगी। अच्छा तो तुम प्रूफ की बात करते हो, तो ठीक है मैं भी मेरी गर्लफ्रेंड को इसी जगह अभी बुलाऊंगा, और पता चल जाएगा कि किसकी गर्लफ्रेंड सबसे खूबसूरत है। तो ठीक है चल शर्त लगाते हैं, अगर तेरी बात सच निकली तो मैं तुझे 1,00,000 रुपया दूंगा, और अगर मेरी बात सच निकली तो तू मुझे 1,00,000 रुपया देगा। मंजूर है डील? मंजूर है डील। इस बार तो 1,00,000 रुपया मैं ही जीतूंगा, क्योंकि तुझे पता नहीं है कि मेरी गर्लफ्रेंड कितनी खूबसूरत है, क्योंकि उसे अब तक तूने देखा ही नहीं है। वो तो वक्त ही बताएगा। वो देख मेरी गर्लफ्रेंड आ गई। अबे वो मेरी गर्लफ्रेंड है समझा? अबे वो मेरी गर्लफ्रेंड है यार। देख तू बस 1,00,000 रुपया जीतने के लिए तू मेरी गर्लफ्रेंड को तेरी गर्लफ्रेंड नहीं बोल सकता समझा, और अगर तूने और एक बार बोला ना तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। अबे वो मेरी गर्लफ्रेंड है यार। अगर वो हम दोनों की गर्लफ्रेंड है, इसका मतलब उसने हमें धोखा दिया है। तो हम लड़ क्यों रहे हैं? तो लड़ना बंद करो फिर। पहले तू बंद कर लड़ना। नहीं पहले तुम बंद करो। पहले तू। नहीं पहले तू। A few minutes later. पहले तू। पहले तू। अरे भूत आलू देख, भूत वो देख, मुझे डर लग रहा है आलू बचा। अरे ये भूत वूत कुछ नहीं होता रे।
अरे भैया वो क्या भूत वो हमारे पास ही आ रहा है, कुछ करो। ऊपर वाले मुझे बचा लो, वो हमें मार देगा। कोई है? अरे हम कोई भूत वूत नहीं है, हम दोनों जुड़वा बहन हैं। जुड़वा? जुड़वा बिल्कुल मूवी के माफिक सही पकड़े हैं। अरे अब तो रो क्यों रहा है, अब तो पता भी चल गया कि उसने हमें धोखा नहीं दिया है। मेरे 1,00,000 रुपए गए भैंस पानी में। हाँ वैसे 1,00,000 रुपए तो मेरे भी गए, मैंने भी सोचा था कि जीत जाऊंगा। पर इससे भी परेशानी वाली बात ये है कि हमें पता कैसे चलेगा कि इन दोनों में से मेरी कौन सी गर्लफ्रेंड है और तेरी कौन सी है। इतनी कंफ्यूजन तो तब भी नहीं हुई थी जब जेब में सिर्फ 5 रुपए थे और पता नहीं था कि चिप खरीदना है या फिर कुरकुरे खरीदना है। The next day. भाई मैंने सुना है कि उसका बाप डॉन है और इसलिए मेरी फटी पड़ी है। हाँ डर तो मुझे भी लग रहा है क्योंकि वो डॉन है, पर हमारे प्यार के लिए हमें ये करना ही होगा। देख तू भले ही कितना भी डरा हुआ क्यों ना हो, पर डॉन के सामने तू ऐसा दिखाना कि तू किसी से नहीं डरता, बिल्कुल हीरो के माफिक, समझा? अच्छा तो मतलब मुझे हीरो के माफिक बनना होगा ताकि डॉन हमसे शादी के लिए मान जाए, है ना? हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। लगता है हम पहुँच गए, वो देखो डॉन का इलाका। भाई मुझे डर अभी भी लग रहा है। डर मत, हीरो के माफिक चल। कोड बताओ। हमें डॉन से मिलना है, कुछ जरूरी बात करनी है। तुम दोनों यहाँ कैसे आए? अबे सुपरमैन की तरह थोड़ी ना अपन उड़ के आएंगे, ऑब्वियसली चल के आए हैं, वो भी अपने पैरों से। फालतू सवाल पूछता है यार, हद है। मेरा मतलब यहाँ पे आकर डॉन से मिलने के लिए तुम्हें कोर्ट की जरूरत पड़ती है, अगर वो कोर्ट तुम्हारे पास है तभी ये इलाका तुम ढूंढ सकते हो। तो बताओ तुमने ये इलाका ढूंढा कैसे? तो मैं तुम्हें आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हारे पास कोड है? नहीं। तो बेहतर होगा तुम यहाँ से अभी पहली फुर्सत में निकल जाओ। देखो गोली मत चलाना ठीक है, हम अभी यहाँ से निकल रहे हैं, अभी निकल रहे हैं। ओ भाई वो अजीब सा चीज क्या है, वो भी इतना बड़ा, वो हमारे पास क्यों आ रहा है? कहाँ है वो अजीब चीज, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, जल्दी बताओ कहाँ है वो? उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। अरे भाई ये तूने क्या किया? अरे भाई तुमने ही तो कहा था ना हीरो के माफिक रहो। हाँ पर इतना भी हीरोपन से दिखाने नहीं कहा था मैंने, उसके पास बंदूक है। रिलैक्स बॉयस, आने दो उन्हें। ऐसा क्या काम था जो मुझसे मिलने के लिए तुमने अपनी जान दांव पे लगा के आए हो यहाँ? क्या तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है? हम अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, पर इससे भी ज्यादा हम आपकी बेटी को प्यार करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं, वो भी आपकी मंजूरी से। रिलैक्स बॉयस, मुझे तुम्हारी बहादुरी काफी अच्छी लगी, तुम अपनी प्यार के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हो। मैं मेरी बेटी की शादी उसी से करूंगा जो उसके लिए काबिल होगा, और अगर तुम दोनों काबिल हो तो तुम्हें साबित करना होगा। तुम्हें 3 मटका दिया जाएगा और तुम्हारी काबिलियत साबित करने के लिए तुम्हें उन 3 भारी मटकी को मेरे क्लाइंट तक पहुंचाना होगा, वो भी बिना मटका तोड़े। मेरी बेटी की शादी उसी से होगी जो बॉडी से स्ट्रांग हो और दिमाग से चालाक हो। तो इसको और मुश्किल बनाने के लिए हर मटके पर ड्रग्स डाला जाएगा और उस रास्ते पे पुलिस की कड़ी निगरानी है, और अगर तुम पकड़े गए पुलिस के हाथों तो तुम जेल में सड़ोगे, वो भी पूरी जिंदगी। और अगर किसी वजह से मटका टूटा तो मैं पहले तो तुम्हारे खोपड़े तोड़ूंगा, फिर तुम्हें मारूंगा वो भी गोली से, क्योंकि उस मटके के अंदर मेरे 1,00,000 रुपए के माल है जो तुम्हें मेरे क्लाइंट को देना है। और याद रहे, अगर तुमने मेरे बारे में पुलिस को बताने की कोशिश की और तुम ये सोच रहे हो कि मुझे पुलिस पकड़ लेंगी, तो ये भूलना मत कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। भाई यानी मरना तय है, या तो डॉन के हाथों या तो पुलिस वाले के हाथों। भाई मुझे नहीं करना, मैं घर जा रहा हूँ। भाई हीरो बन डर मत। तो क्या तुम दोनों तैयार हो? हाँ मैं तैयार हूँ। और तुम? मैं भी तैयार हूँ, लगता तो ऐसा ही है। हाँ तो ये मिशन का नाम होगा काल्पनिक फन। काल्पनिक?
हाँ काल्पनिक फन। इसको तो बस एक मौका चाहिए, वो भी खुद का यूट्यूब चैनल प्रमोट करने के लिए, वो भी खुद के वीडियो में। हाँ यार, क्या पता ये डॉन भी सब्सक्राइब कर दे, और क्या पता जो अभी वीडियो देख रहे शायद वो भी सब्सक्राइब कर दे। तो कर दो यार सब्सक्राइब अभी। और हाँ, जब मैं ये काल्पनिक फन मिशन कम्प्लीट करूंगा तो आपकी बेटी यानी कि मेरी गर्लफ्रेंड से मैं शादी करूंगा। उसके बाद जब हमारे बच्चे होंगे तो उस बच्चे का नाम काल्पनिक होगा, और जब वो बच्चा बड़ा होगा तब मैं उसका एक यूट्यूब चैनल खोलूंगा और उसका नाम मैं काल्पनिक फन रखूंगा। A few minutes later. तू रेडी है? हाँ रेडी हूँ। तो हमारा काल्पनिक फन मिशन स्टार्ट हो चुका है, और एक काल्पनिक फन मिशन। अरे फिर से नहीं यार। हाँ पता है। इस मिशन का नाम हुआ काल्पनिक फन, और तेरे बच्चे का नाम हुआ काल्पनिक, और तू एक यूट्यूब चैनल खोलेगा उसका भी नाम हुआ काल्पनिक फन। हाँ मैंने सुन चुका, मेरे कान पक गए सुन सुन के। बस करो यार मैं। 3 hours later. हे रुक, क्या है इस मटके के अंदर? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है। अरे नहीं पुलिस, अगर इसने पकड़ लिया तो जेल में सड़ना पड़ेगा और हम शादी भी नहीं कर पाएंगे। दिखा इसके अंदर क्या है। नहीं कुछ भी नहीं है। ए मटका ले लो, मटका ले लो, मटका साहब ये मटका खरीद लो। नहीं नहीं, मुझे इस मटके की जरूरत नहीं है। साहब हम बहुत दूर से आए, हम बहुत गरीब हैं, हमारा मटका अभी तक एक भी नहीं बिका सर, और हमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं, हमें भूख भी लगी और हमारे पास पैसे भी नहीं। साहब खरीद लो ना एक मटका प्लीज साहब। हम सर प्लीज एक मटका खरीद लो ना सर प्लीज। ठीक है रो मत, जाओ वहाँ ऊपर जाओ, शायद तुम्हारा मटका बिक जाए वहाँ। मुझे मटका नहीं चाहिए, जाओ किसी और को बेचो तुम्हारा मटका। भाई वो देखो क्लॉक टावर, जहाँ पे डॉन का क्लाइंट होगा है, और हमारा मिशन कंप्लीट होने वाला है। तू मिशन का नाम भूल गया क्या? इस मिशन का नाम है काल्पनिक फन। हाँ पता है काल्पनिक फन, फिर से शुरू मत हो जाना। भाई धीरे चल, नहीं तो मटका गिर जाएगा। नहीं अरे भाई थैंक यू, मेरे मटके बचाने के लिए खुद के मटके की कुर्बानी दे रही, तू मेरा सच्चा दोस्त है, लाभ दे दे मेरा मटका। अरे नहीं ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे नहीं मैंने तो बस पकड़ ही लिया था। सारे मटके टूट चुके हैं, अब लगता है डॉन हमें मार देगा। पर मुझे नहीं मारेगा क्योंकि मेरा अभी भी एक मटका नहीं टूटा है जो तूने बचाया था। बेवकूफ, तूने अपना 2 मटका बचाने के लिए 3रा मटका भी तोड़ दिया। बेवकूफ कहेंगे, इनको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मटका टूट चुका है तो क्या डॉन एडम और आलोक को मार देगा, या फिर दोनों की शादी होगी उनकी गर्लफ्रेंड से, क्योंकि शायद वो दोनों अपनी हुलिया बदल कर डॉन को बेवकूफ बना दे और फिर से मिशन कंप्लीट कर ले। मिशन नहीं काल्पनिक फन मिशन बोलो। तू सुधरने वाला नहीं है, रुक। अरे जब देखो तब काल्पनिक करते रहता है, रुक तुझे अभी बताता हूँ। या फिर इससे भी बढ़िया आइडिया है आलोक और एडम के पास डॉन को बेवकूफ बनाने के लिए, और ये सब आपको नेक्स्ट वीडियो के पार्ट 2 में पता चलेगा। और पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट कर दो कि पार्ट 2 देखना है, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आपको पार्ट 2 देखना है कि नहीं देखना है। अगर नहीं देखना है तो फिर मैं पार्ट 2 बनाऊंगा ही नहीं। और सब्सक्राइब भी कर दे ताकि ऐसे फ्री फायर के और नए एनिमेशन वीडियो आने वाले हैं जिसे आप देख पाएं, तो सब्सक्राइब करो अभी। और अगर आपको ऐसे फ्री फायर के एनिमेशन वीडियो और भी देखना है तो यहाँ पे क्लिक करके ये वीडियो देखो, आपको बहुत मजा आएगा।